हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैपर सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 है अपना विद्युत आवेश तथा क्षेत्रीय आवेश एवं विद्युत क्षेत्र से संबंधित। दोस्तों अपना प्रश्न क्रमांक 10 है आज का कि विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। दोस्तों हम इसके पहले बहुत से दोस्तों क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, जैसे दोस्तों हम पढ़ चुके हैं क्या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, कूलाम का नियम और उसकी व्युत्पत्ति, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दोस्तों ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में दोस्तों हम विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव की दोस्तों जो अपनी परिभाषा है वह सीधी और सरल है कि जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कैसे कहते हैं? जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे किस प्रकार दोस्तों, जैसे दो बराबर और विपरीत आवेश, कौन सा होता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ये दो बराबर और विपरीत आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी 2L पर स्थित है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का ये अपना चित्र बन जाएगा। ये बनाना जरूरी है दोस्तों, जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना विद्युत द्विध्रुव। अब अगले में क्या है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, और इससे यह एक सदिश राशि दोस्तों, ये याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि, ये एक नंबर में आ सकता है, तो यह एक सदिश राशि है दोस्तों। क्या होगा? हो जाएगा पी इक्वल टू 2 × QL, तो पी इक्वल टू 2 QL लिखा ही है दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? पी इक्वल टू 2 QL। ये दोस्तों पी इक्वल टू 2 QL, इसका उपयोग दोस्तों जब हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो पड़ेगा। ये दोस्तों इस प्रकार से अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब दोस्तों क्या देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है दोस्तों अपना कूलाम इंटू मीटर। क्या है दोस्तों मात्रक? कूलाम इंटू मीटर। तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है m^0 LTA, l^1 t^1 और a^1, मतलब डायरेक्ट यदि अपन लिखना चाहे तो LTA बस भी लिख सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर और द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया MLTA, बस लिख सकते हैं दोस्तों, M0 नहीं लिखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और इसके मात्रक तथा विमीय सूत्र के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जाना। किसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैपर सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।